हम इस लेक्चर में स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर को आगे बढ़ाएंगे, स्पेशल केस इसके करेंगे। तो क्या क्या स्पेशल केस इसके हो सकते हैं, फर्स्ट हम बात करेंगे आइसोलेटेड स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। अब आइसोलेटेड यहां क्या बात कर रहे हैं, हम ऐसे बात कर रहे हैं व्हेन, इसको दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं, व्हेन आर टू बिकम इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आप एक कैपेसिटर को ले रहे, एक प्लेट को ले रहे थे जिसकी रेडियस थी आर, और दूसरी प्लेट को ले रहे थे आप जिसकी रेडियस थी आर टू, लेकिन अब सिचुएशन क्या है, आर टू बिकम इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि ये स्फेरिकल सेल नहीं है। नहीं का मतलब क्या है कि ये है तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, तो आर टू जो है वो अब आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इन दैट केस व्हाट इज द कैपेसिटेंस, हम ये वाली फॉर्मूला, ये वाला स्पेशल केस का, व्हेन आर टू बिकम्स इनफाइनाइट। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि सेकंड स्फेरिकल सेल जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और ये काफी छोटा है, तो इस स्फेरिकल सेल पे कितना चार्ज ये होल्ड कर पाएगा, हम उसकी कैपेसिटी निकालना चाहते हैं। उस केस में क्या होगा, इसमें पुट कर दो आर टू बिकम इनफाइनाइट, तो आप क्या हो जाएगा, सी वी नो दिस फॉर्मूला, 4πε0 आर वन आर टू डिवाइड में आर टू माइनस आर वन। इफ आर टू बिकम इनफाइनाइट, आर टू इनफाइनाइट है, इसका मतलब आर जो है, आर टू इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर टू। तो ये वाली जो टर्म है इसमें से हम आर वन को माइनस कर देंगे लेकिन पता नहीं चलेगा, तो हम सिर्फ आर टू, तो हम इस फॉर्मूले को कैसे लिख पाएंगे, सी इज इक्वल टू 4πε0 आर वन आर टू डिवाइड में आर टू। तो R2 से R2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, देन C बिकम 4πε0 R। दिस इज अ कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटेंस क्या है, तो आप इसमें, ये स्फीयर के लिए वैलिड है तो वो भी तो एक स्फीयर है, स्फेरिकल सेल के लिए भी है तो वो भी तो एक स्फीयर है। अगर ये अर्थ की रेडियस, आप मान लो कि ये क्या है, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सी इज इक्वल टू 4πε0 आर। वी कैन फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, वी कैन फाइंड द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ बाई दिस फॉर्मूला, 4π आर। किसी भी स्फेरिकल सेल या स्फीयर की आपको चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी पूछे तो आप इस फॉर्मूले से उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हो, कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। सेकेंड केस करेंगे हम इसका, स्पेशल केस सेकेंड, व्हेन आर वन एंड आर टू बोथ बिकम इनफाइनाइट, बट आर टू माइनस आर वन इज इक्वल टू डी, दिस इज डिफाइंड। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आर वन आर टू बहुत ज्यादा बड़े हैं, बोथ बिकम इनफाइनाइट, बट डिफरेंस बिटवीन देम इज फाइनाइट। हम ये बात कर रहे हैं कि दो बहुत बड़े स्फेरिकल सेल, हम बोर्ड पे तो बहुत बड़े स्फेरिकल सेल ही नहीं बना सकते, तो हम मान रहे हैं कि ऐसे कुछ आ रहे हैं, ऐसे बहुत बड़े हैं, इसका मतलब वो स्फेरिकल दिखेंगे ही, ऐसे कुछ कहीं इनफाइनाइट से
इनफाइनाइट से आप मान सकते हो कि ये वाली रेडियस जो है वो आर वन है और ये वाली रेडियस जो है वो आर टू है, लेकिन इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो डिफाइन है, दैट इज डी। वो आपको पता है, वो बड़े स्फेरिकल सेल इनफाइनाइट आप मान सकते हो आर वन आर टू को, लेकिन सेपरेशन डिफाइन है। इन दैट केस क्या होगा, तो वो हम बात कर रहे हैं। वी नो द फॉर्मूला सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू डिवाइड में आर टू माइनस आर टू व्हेन आर वन इनफाइनाइट, आर वन बिकम इनफाइनाइट, आर टू बिकम इनफाइनाइट, बट आर टू माइनस आर वन इज डी एंड व्हाट है। अब क्या होगा, हम ये बात करें, इस फॉर्मूले में ये कंडीशन आपको, तो अब ये दोनों ही काफी बड़े, बहुत ज्यादा बड़े, और d जो है वो काफी छोटी टर्म है। अब ये तो बहुत ज्यादा बड़े, तो हम इन r1 और r2 को अप्रोक्सीमेट इक्वल लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल रख सकते हैं। इसको हमने मान लिया कि ये अप्रोक्सीमेट इक्वल हैं, और इक्वल किसके हैं, आर के, ऐसा मान लिया क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े हैं। अब एक मान लिया कि आपका 1 करोड़ है और दूसरा 1 करोड़ 1 है। अब आप उन दोनों टर्म को, है तो डिफरेंस 1 का, लेकिन अप्रोक्सीमेट आप उनको क्या मान पाओगे कि वो इक्वल है, तो हम ऐसा ही कुछ मान लें कि वो आर है। हमने ऐसा कुछ मान लिया कि रेडियस उनकी आर है, एवरेज रेडियस आप बोल सकते। तो ये वाली टर्म अगर मैं पुट करूं इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, सी बिकम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू, दोनों ही आर है तो आर स्क्वायर लिख दो, ये भी आर, तो आर स्क्वायर हो गया, डिवाइड में आर टू माइनस आर वन, वो तो दे रखा है उसने डी। तो ये क्या बन गया, तो आप देखो इसको क्या बन गया, ये देखो, अगर हम इसके लिए बात करें तो ये बन गया एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में हो गया डी। व्हाट इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, दिस इज एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट। तो ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये तो जाना पहचाना है, ये वाला फॉर्मूला। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफ आर वन एंड आर टू बोथ बिकम इनफाइनाइट, आप मान के चलो कि काफी ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो दोनों एक जैसे ऐसे प्लेट हो जाएंगे, और जिनकी सेपरेशन कितनी है डी, और एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो दिस टाइम एट दिस कंडीशन स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर बिकम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर बिहेव लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन दिस केस स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर बिहेव लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये लाइन मैंने लिखी है, आपको नहीं दिखाई दे रही, मैं बोल रहा हूं। तो ये दो केस हैं इसके जो आपको पढ़ने हैं। हम एक केस में तो बात कर रहे हैं कि अगर आप R2 को इनफाइनाइट कर दो, कि दूसरा है ही नहीं, सिर्फ एक ही, तो उस केस में ये हो जाएगा। और जब दोनों है इनफाइनाइट रेडियस है, लेकिन सेपरेशन उनकी फाइनाइट है, डिफाइन है, ये अनडिफाइन है, तो उस केस में दिस स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर बिहेव लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, उसका भी सेम ऐसे ही मेथड है, तो आप उसको अपने आप से करने की कोशिश करो, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में बात करें। थैंक यू।